मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो मुस्लिम लड़कों को बीच सड़क पर बजरंग दल कार्यकर्ता इसलिए पीट रहे हैं कि ये मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़की के साथ में थे। इसी वजह से बेरहमी से इन दोनों मुस्लिम लड़कों की बीच सड़क पर कभी लात से तो कभी घूसों से पिटाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने दोनों मुस्लिम लड़कों पर FIR दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा मामला भोपाल के MP नगर का है। शुक्रवार की देर रात में एक होटल के पास में एक युवती के साथ दो मुस्लिम लड़कों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और इनसे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान मुस्लिम लड़कों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी बहस हुई और बहस होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों मुस्लिम लड़कों की बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पिटाई करते हुए देख ये लड़की बीच बचाव करने के लिए भी आती है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दोनों मुस्लिम लड़कों की पिटाई कर रहे हैं और पुलिस में भी इन दोनों लड़कों के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। वहाँ पर कुछ लड़के पहुंचे थे, बजरंग दल ने शिकायत की थी, क्या कुछ पूरा मामला है? कल रात की घटना है ये, करीब 12:30 की बात है। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे हमारे पास, जिला मंत्री बजरंग दल, विभाग संयोजक और जिला कोषाध्यक्ष। इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ दो लड़के हैं जो कि किसी लड़की को साथ में लिए हुए थे वहाँ। तो पूछताछ में उनका वाद विवाद हुआ तो उस पर से वो जो दो लड़के थे उनके खिलाफ जो है 151 की कार्रवाई की गई है और जिसे न्यायालय पेश किया गया। होटल कौन सा था जहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये होटल गैलेक्सी स्टार है, ये जौनपुर में आता है। नोटिस वगैरह कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप? हाँ, नोटिस देंगे। आप जिन्होंने बजरंग दल ने शिकायत क्या की थी आपसे सर? शिकायत ये थी कि ये लड़के दोनों वहाँ पे मिले थे और इनके साथ में संभवतः एक लड़की भी थी, तो उसी बात पर से कुछ विवाद हुआ इनका आपस में और जुमा झटकी हुई, तो उस पर से फिर उनकी शिकायत पर जो एक शिकायत हुआ। सर जो आरोपी हैं उनके नाम बता सकते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? एक विदिशा का था और एक भोपाल का था, दोनों मुस्लिम समाज से थे, किसी पर वो आपत्ति कर रहे थे। बाकी चूँकि लड़की के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं बताई गई थी, दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। 151 को पेश किया।